12 अरब के हीरे के मनहूस होने की बात महज कई सुनी बातों पर नहीं टिकी, बल्कि लोगों के इस यकीन के पीछे इस हीरे के मालिकों का वो लंबा चौड़ा इतिहास जिसे जानकर लोग इससे तौबा कर लेते हैं। इतिहास गवाह कि जिसने भी इस हीरे को खरीदने की जुर्रत की उसकी मनहूसियत उसकी जिंदगी पर हावी हो गई। खूबसूरती और खतरा साथ साथ, ऐसा खतरनाक मेल जो दुनिया में न कभी देखा गया न सुना। मगर एक बार जब आप इस हीरे का इतिहास खूबसूरती और खतरा साथ साथ, ऐसा खतरनाक मेल जो दुनिया में न कभी देखा गया न सुना। मगर एक बार जब आप इस हीरे का इतिहास जान जाएंगे तो इसके मनहूस होने का आपको भी यकीन हो जाएगा। शुरुआत हुई अमेरिका के इस म्यूजियम से बहुत दूर सात समंदर पार हिंदुस्तान से, जहां शताब्दियों पहले ये हीरा कर्नाटक के गोलकुंडा इलाके में एक खदान में पाया गया था। इसे तभी एक मंदिर को सौंप दिया गया था, मगर 16वीं शताब्दी में हीरे पर एक अंग्रेज की बुरी नजर पड़ गई और यहीं से इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। मंदिर से चुराए हीरे का इस अंग्रेज ने सौदा कर लिया, मगर ये पैसा उसे भला नहीं। बताया जाता है कि कुछ ही वक्त बाद ट्रेवेलियर नाम के इस अंग्रेज को रूस में जंगली कुत्तों का निवाला बनना पड़ा। इसके बाद अलग अलग हाथों होता हुआ एक के बाद एक लोगों की बर्बादी की कहानी लिखता ये हीरा फ्रांसीसी राजा किंग लुई के पास पहुंचा। यही हीरा न सिर्फ किंग लुई की मौत की वजह बना, बल्कि लुई के बाद उनकी बीवी की जान भी लेकर गया। फ्रांस में एक बगावत के बाद दोनों के सिर कलम कर दिए गए। होप डायमंड इसके बाद के सालों में फ्रांस के एक अजायब घर की शान बढ़ाता रहा, पर इस नायाब हीरे की चमक अब भी लोगों को ललचाती रही। नतीजा ये कि 18वीं शताब्दी में ये हीरा एक बार फिर चोरी हो गया और अगले कई सालों तक इसके बारे में किसी को पता नहीं चला। पर जैसा कि इसकी फितरत है, अर्श पर बैठे शहंशाहों को फर्श पर लाने की खातिर ये एक बार फिर नमूदार हुआ। इस बार ये शान बना इंग्लैंड के किंग जॉर्ज 4 के ताज का, मगर इससे पहले कि किंग जॉर्ज इसकी फितरत समझ पाते हीरे ने उन्हें कंगाल बना दिया। किंग जॉर्ज एक कर्जदार की मौत मरे और हालात ये हो गए कि उनका कर्ज चुकाने के लिए इस हीरे को एक बार फिर नीलाम करना पड़ा। होप डायमंड की बदकिस्मती ने एक बार फिर रईसों और दौलतमंदों को अपनी ओर खींचा और इस बार इसके मालिक बने हेनरी फिलिप होप। होप डायमंड को अपना नाम अपने इसी मालिक से मिला, मगर होप ने उन्हें भी नहीं बख्शा। होप एंड कंपनी के नाम से बैंकिंग फर्म चलाने वाले हेनरी होप दिवालिया हो गए और उनकी अगली तीन पुश्तें भी हीरे से जुड़ी इसी बदकिस्मती और मनहूसियत का शिकार रहीं। होप डायमंड ने न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पहुंचने से पहले एक और खानदान बर्बाद किया। कहा जाता है कि इसी हीरे की बदौलत अमेरिका के मकलेन परिवार के सभी सदस्य या तो अलग अलग हादसों में मारे गए या फिर अपना मानसिक संतुलन खो बैठे। ये दौर था 19वीं सदी की शुरुआत का। आखिरकार नौबत ये आ गई कि परिवार के वारिसों ने इसकी हकीकत पहचानते हुए इस हीरे से निजात पाने का फैसला किया। इस तरह 1949 में होप डायमंड को न्यूयॉर्क के एक जौहरी हैरी विंस्टन ने खरीद लिया। पर चूंकि हैरी इस हीरे की मनहूसियत से अच्छी तरह वाकिफ थे, लिहाजा हैरी ने इसे खुद रखने के बजाय न्यूयॉर्क के म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के हवाले कर दिया, इस यकीन के साथ कि अपने निजी इस्तेमाल से अलग रख वो इसके असर से बच सकेंगे। हैरी का ये तरीका कामयाब रहा, क्योंकि म्यूजियम में रखे जाने के बाद से ही हीरे से जुड़ा तबाही और बर्बादी का सफर थम गया। हालांकि इसके इतिहास को जानते हुए लोग अब भी इसे खरीदना तो दूर, छूने के बारे में भी नहीं सोचते। आज तक ब्यूरो।